हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक व्हील में। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं होंडा के शोरूम के जितने भी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज जो बाइक आपके लिए लेके आए गाइस वो है द ऑल न्यू 2022 की होंडा एक्सब्लेड, जो कि ब्लू कलर में आपके सामने प्रेजेंट है। कंपनी आपको टोटल 4 कलर ऑप्शंस प्रोवाइड कर देती है, उन सबके नाम मैं बता देता हूँ। स्पोर्ट रेड, मैट स्टील ब्लैक, सिल्वर मेटालिक और अभी आपके सामने जो प्रेजेंट है ये है मैट मार्बल ब्लू मेटालिक। ऑल अबाउट बाइक देखने से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगती है और इसमें आपको LED हेडलाइट सेटअप, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर्स और एडिशनल हजार लाइट का स्विच भी देखने के लिए मिलता है। बट ऑल अबाउट न्यू फीचर्स के बारे में बात करें तो एज सच अभी कोई भी ऐसा न्यू फीचर्स आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, लाइक ब्लूटूथ या फिर स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो होने वाला है बेसिकली इसके प्राइसिंग के ऊपर। ऑल अबाउट इसके स्पेसिफिकेशंस, लुक्स, डिजाइंस, माइलेज, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल अबाउट इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट लुक से बाइक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। ऊपर की ओर आपको वाइजर मिल जाता है और यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि स्टिकर में है, नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट। दो इंडिकेटर्स मिल जाएंगे बल्ब में फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ, बट ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। ऑल अबाउट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक मिलता है इसका LED हेडलाइट सेटअप, जो कि आपको थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा देगा नाइट में। साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लू का फ्रेम दिख जाएगा ऑल ओवर, जो कि बॉडी कलर से मैच होता हुआ है। और यहाँ पर आपको मिल जाती है नीचे के जो सस्पेंशन मिलते हैं वो टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं। मडगार्ड के बारे में बात करें तो डुअल टोन कलर ऑप्शन है, आगे ब्लू और पीछे मैट ब्लैक का फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग दिख रही होगी, यहाँ पर ABS सेंसर देख सकते हो, सिंगल चैनल ABS में ये बाइक प्रेजेंट है। ऑल अबाउट टायर सेक्शन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको टायर सेक्शन मिल जाता है 80x117 इंचेस के अलॉयज हैं और अलॉयज में भी आपको ब्लू और ग्रे का ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेगा। डिस्क साइज के बारे में बात करें तो 276mm का डिस्क साइज है, डुअल पिस्टन कैलिबर्स मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर राइट टू लेफ्ट आपको दोनों ही जगह देखने के लिए मिलती हैं। तो एज सच जैसे पहले थी वैसे ही आपको सेम देखने को मिल रहे हैं, कोई भी न्यू अपडेट्स नहीं है। तो ये तो बात हो गई फ्रंट के बारे में दोस्तों, फ्रंट से देख लो बाइक को, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। वहीं बात कर ले रियर के बारे में तो रियर का जो स्प्लिट ग्रैब रेल है और इसका जो टेल लैंप है वो मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको कुछ इस तरह से इसका स्प्लिट ग्रैब रेल देखने के लिए मिलता है, टेल लैंप कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की ओर आपको कार्बन फाइबर वाला फिनिश भी मिल जाता है, होंडा की ब्रांडिंग, इंडिकेटर्स जो कि बल्ब में प्रेजेंट है। नीचे की ओर आपको मिल जाता है एक रिफ्लेक्टर, यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट और नीचे की ओर आपको एक टायर हगर मिल जाता है जिसे आपका मड में या फिर रेनिंग के टाइम में आपको मड पड़ने के कम चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका चेन ओपन मिलता है आपको, कोई भी चेन कवर नहीं है। टायर सेक्शन यहाँ पर देख लो रेयर का 130x17 इंचेस के अलॉय है, इसमें भी आपको ब्लू और ग्रे के ग्राफिक्स दिख जाएंगे देखने के लिए। ऑल अबाउट रेयर में कंपनी आपको डिस्क प्रोवाइड कर देती है 220mm का और यहाँ पर आपको सिंगल पिस्टन कैलिबर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक मोनोशॉक सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड कर देती है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एग्जॉस्ट, यहाँ पर आपको डुअल मतलब मुंह वाले एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको क्रोम का फिनिश मिल जाता है, ये देख सकते हो। बाकी फुटरेस्ट की क्वालिटी अच्छी मिलती है देखने के लिए। और वहीं बात कर ले इसके ऑल अबाउट साइड पैनियर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको ग्रे कलर का फिनिश मिलता है देखने के लिए, ग्रे एंड ब्लू का फिनिश मिलता है जो कि लुक वाइज बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर आपको 160 की बैजिंग मिल जाएगी, पूरी बाइक में आपको सिर्फ 160 की बैजिंग इसी जगह देखने के लिए मिलेगी। बाकी ऑल अबाउट फाइबर का वर्क आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप टैंक देख सकते हो, टैंक ब्लू कलर में है। यहाँ पर आपको एक्सब्लेड की ग्राफिक्स मिल जाएगी देखने के लिए स्टिकर में, होंडा की और क्रोम का फिनिश, 3D लोगो इस जगह आपको मिल जाएगा। बाकी ऑल ओवर यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर वाला फिनिश मिल जाएगा देखने के लिए। टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की मिलती है और रिजर्व आपको 1.9 लीटर्स का और कंपनी क्लेम्स की ये बाइक आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी 50+, तो माइलेज भी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। ऑल ओवर जो टैंक है बहुत ज़्यादा बल्की लगता है तो लुक वाइज गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी दिखती है और बल्की भी दिखती है। बाकी जो इसके हैंडल्स हैं वो आपको अपराइट की ओर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर देख लो बैटरी कनेक्शन नहीं है दोस्तों, इस वजह से मैं आपको इंस्ट्रूमेंट कस्टम ऑन करके नहीं बता सकता, बट इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आपको मिल जाता है गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स में मैं मानता हूँ कि सभी चीज़ें आपको डिजिटल में देखने के लिए मिल जाती हैं, लाइक स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर्स और नंबर्स ऑफ ट्रिप दो मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर की देख लो, की दो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, दोनों में ही जो होंडा की ब्रांडिंग है अलग अलग देखने के लिए मिलती हैं। बाकी यहाँ पर हैंडल्स में आपको किल स्विच मिल जाते हैं, एडिशनल हजार लाइट का स्विच इस जगह मिल जाता है और सेल्फ मिल जाती हैं विथ किक, यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर्स और हॉर्न मिल जाते हैं और ऊपर की ओर आपको पासिंग लाइट। और ये रहा इसका किक, तो इसमें आपको किक प्लस सेल्फ दोनों देखने के लिए मिलता है। तो ये एक अच्छा फीचर है कि अगर बैटरी डाउन भी हो गई तो आप किक से बाइक को स्टार्ट कर सकते हो।
बाकी इंजन के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाता है 162.71 सीसी का, सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, एयर कूल्ड, BS6 फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, मैक्सिमम PS 13.67 BHP है और टॉर्क है 14.7 जो कि आपको मिल जाती है 5500 RPM में। बाकी कैटलिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर देख सकते हो नीचे में, जो आपको इंजन काउल मिलता है वो फाइबर में नहीं मेटल में देखने के लिए मिलता है। लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा फाइबर दिख रही होगी बट वो मेटल में है। बाकी नंबर्स ऑफ गियर्स आपको 5 मिल जाते हैं, 1 डाउन 4 अप वाला सिस्टम मिलता है देखने के लिए। साइड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है आपको और डुअल स्टैंड भी मिल जाता है। वहीं बात कर ले इसके डायमेंशंस के बारे में गाइस, तो गाड़ी का लेंथ आपको मिल जाता है 2013 mm का, वाइडनेस मिल जाती है 786 mm की, हाइट मिल जाती है 1150 mm का और टोटल गाड़ी का कर्व वेट आपको मिल जाता है 144 kg का। और गाड़ी का जो सीट हाइट है गाइस वो आपको मिल जाता है 795 mm का और गाड़ी का ग्राउंड स्पेस आपको मिल जाता है 160 mm का। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट पॉइंट के बारे में गाइस, इसका प्राइसिंग। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 119,157 rupees और ऑन रोड प्राइस सिटी टू सिटी वेरी करता है। हमारे सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है 144,200 के आसपास। आपके सिटी में जो भी इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। ऑल ओवर बात के लिए इस बाइक के चेंजेस के बारे में, तो शायद आने वाले टाइम में आपको न्यू चेंजेस देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा दोस्तों तो एक लाइक या कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना कि ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ आप सबके लिए आते जाएं और आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।